अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप जी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो अज दी वीडियो दे विच असीं डिस्कस करांगे कि जिवें कि तुहानू पता है PPSC टेंडर नायब तहसीलदार दियां वैकेंसीज निकलियां सीगियां। सो इहदे विच काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही सी, डेडलॉक की प्रॉब्लम आ रही सी, होर एरर आ रहा सी, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की फोटो अपलोड होने विच प्रॉब्लम आ रही है। उहदा सोल्यूशन इस वीडियो दे विच मैं प्रोवाइड करूँगा। सो वीडियो शुरू करने तो पहले मैं तुहानू रिक्वेस्ट करना चाहवांगा कि अगर तुसी फर्स्ट टाइम अगर साडी यूट्यूब चैनल पर विजिट करते हो तो जरूर चैनल को सबसक्राइब करो तो बैल आइकन पर क्लिक कर लो, प्लस वीडियो जरूर लाइक करया करो, इना एक लिटल बिट मोटिवेशन मिलती है जी। तो चलो देखते हैं पूरी प्रोसैस आ सामने, तुसी फॉर्म देख सकते हो। ये मैं हुणी फॉर्म फिल किया, जड़ी प्रॉब्लम्स वगैरह सीगियां वह फिलहाल काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई ने। उदा भी रात को तुहानू पता है सर्वर वगैरह ठीक रहते थे, प्रॉब्लम नहीं आती है। देखो चलान भी प्रॉपरली शो हो रहा, कल काफ़ी ज़्यादा कैंडीडेट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, उन्हें चलान ही नहीं शो होता पाया। काफ़ी कैंडीडेट्स ने फीस वगैरह पे कर दी हुई है, चार चार दिन हो गए, उन्होंने फीस अपडेट नहीं हुई। फीस कदों अपडेट होगी वह भी मैं तुम्हें वीडियो के लास्ट भी दसूँगा। तो चलो देखते हैं पूरा प्रोसैस विद प्रूफ, मैं तुम्हें दसूँगा कि प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो आप करते हैं PPSC की वैबसाइट पर जाना है, सेम प्रोसैस तुम अपने मोबाइल फोन पर कर सकते हो, स्मार्टफोन पर कर सकते हो। तो तुम वैबसाइट पर जाना है, वैबसाइट पर जाके नीचे स्क्रोल डाउन करना, इतने आ रहा ओपन एडवरटाइजमेंट, तुम वो उपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने तो बाद नैक्सट पेज खुलूगा, इतने लिंक बनया हो एक्शन का अपलाई व्यू, तो क्लिक कर देना। नैक्सट पेज ओपन होगा जिद डिटेल्स वगैरह हो लास्ट डेट वगैरह, दैन एप्लीकेशन फॉर्म की जो भी है फीस वगैरह सारी डिटेल दसी हुई है। तुम्हें सब तो लास्ट में जाना है अपलाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना, इतने पोस्ट चूज करनी है, ठीक है जी। उस तो बाद कैंडीडेट का नाम चूज करना है, समॉल लिखो, ऑटोमैटिक कैपिटल विच हो जूगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माता जी का नाम लिखना, तुसी जड़ी भी तुसी इत्थे डिटेल फिल करनी, बड़े ही ध्यान ना करनी, इहदे विच करैक्शन वगैरह नहीं हुंदी। मैनू रिसेंटली ही एक कैंडीडेट का कमेंट आया, उन्होंने की किया जिहड़ा अपना जेंडर सी वह गलती ना मेल ने फीमेल सिलेक्ट करता, तो तदे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आंदियां। तो इहदी फिलहाल जिहड़ी ठीक है जी सोल्यूशन है प्रॉब्लम सॉल्व का, ये तुहानू डायरैक्ट मिलेगा जी बोर्ड तो, अदरवाइज़ मेल वगैरह का रिप्लाई नहीं करते। उस तो बाद एड्रैस वगैरह फिल कर देना है, सेम एड्रैस है, तुम चैकबॉक्स से क्लिक करके अपना एड्रैस में सेम कर देना। अगर अलग है तो तुम अलग अलग अपना एड्रैस फिल कर सकते हो। कैटेगरी बड़े ध्यान में चूज करनी है जी, कैटेगरी के अकॉर्डिंग थोड़ी फीस होंगी है। इतों आप अपनी कैटेगरी चूज कर ली, नीचे जाओगे तुसी, इतने जाके तुसी अपनी मैट्रिक की डिटेल फिल करनी है जी। उस तो बाद किहड़े बोर्ड तो तुसी कीती सी वो फिल करता, आपां किन्ने परसेंट तुसी मार्क्स गेन किए सो करता। उस तो बाद तुसी ग्रैजुएशन डिटेल फिल करनी है, नीचे जाके ग्रैजुएशन पर क्लिक कर देना। घट तो घट तुहाडी क्वालिफिकेशन ग्रैजुएशन होनी चाहिए है, तो तुहाडी 10th विच पंजाबी पास होनी चाहिए है, तां ही तुसी इह फॉर्म फिल कर सकते हो, अदरवाइज ना फिल करियो। इत्थे तुसी ग्रैजुएशन सिलेक्ट कर लिया, उस तो बाद तुहाडा किहड़े साल तुसी ग्रैजुएशन ठीक है जी कंप्लीट की सी ईयर फिल करता, किड़े बोर्ड तो की सी, जड़ा भी तुहाडा बोर्ड है स्टेट बोर्ड का तुसी कर देना, किन्ने परसेंट मार्क्स गैट किए और तुसी फिल करके, अगर एक्सपीरियंस वगैरह है यस से क्लिक करके एक्सपीरियंस ऐड कर देना, अगर नहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है विदाउट एक्सपीरियंस भी तुसी फिल कर सकते हो। उस तो बाद तुसी अगर पहले ही किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम करते हो उसके रिगार्डिंग ऑफिशियल परमिशन ले पी है, तुसी पहले अप्लाई किया कि तुहाडे ते केस वगैरह तो नहीं चलता पाया क्रिमिनल, सारे डिटेल वगैरह देख लेनी है। उस तो बाद फोटो की गल करते पे सी, तुसी फोटो चूज़ कर लेनी है। फोटो ज़्यादातर प्रॉब्लम क्यों आती है तुहाडा अगर ये साइज़ ना हो, एक होर प्रॉब्लम आती है मैं तुम्हें दसा वीडियो के लास्ट में दसूँगा। मैं चूज़ फाइल पर फोटो करके अपलोड कर देना, अगर फोटो का साइज सफिशियंट है तो फोटो अपलोड हो जाएगी, अदरवाइज एरर आ जाऊगा। इदा ही तुसी सिग्नेचर अपलोड करने हैं, सो सिग्नेचर का साइज़ भी तुहाडा सेम होना चाहिए 10 to 40 KB के विचकार, आ दोनों आ गए। तुसी इत्थे ऑफलाइन मोड यूज़ करना, ऑनलाइन मोड नहीं इन्हां दा, ठीक है जी। तुसी इत्थे पासवर्ड फिल कर देना, पासवर्ड के विच तुहाडा देखो जी कैपीटल्स आने चाहिए, कैपीटल करैक्टर समॉल आने चाहिए, स्पैशल सिंबल्स से नंबरस आने चाहिए। उस तो बाद सबमिट पर क्लिक कर देना। सो जो सबमिट पर क्लिक करते इतने एरर आता, डेडलॉक का एरर आता, फिर जो सैकेंड टाइम डिटेल फिल करते एक एक्सैप्शन का एरर आता। हूँ देखो जिद ही मैं सबमिट किया, फोन नंबर और ईमेल आई डी गलत ना भरियो, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होगी तुहाडी एडमिट कार्ड्स वगैरह आने के, मैं ओके करता, ठीक है जी। जिद ही मैं ओके किया, नैक्सट देखते हैं प्रोसैस। आ देखो जी इतने जो मेरा चलान है तो एप्लीकेशन फॉर्म का
इतने जनरेट हो गया। हुण तुसी की करना है, इनू क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट कर लेना, प्रिंट आउट करके तुसी बैंक दे विच पे कर देना विद इन 72 आवर्स। तुहाडी जिहड़ी फीस है अपडेट हो जानी है। फीस अपडेट होने तो बाद तुसी की करना, इनू मैं सेव कर लेना फिलहाल। अपडेट होने तो बाद तुसी अगे वैबसाइट पर जाना है, इतने लिंक बनया हुआ प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, तुसी ये प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना। जब तुसी प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करोगे, इतने तुसी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना पासवर्ड फिल करके, नीचे ये सिक्योरिटी पिन दिता हुआ है कैप्चा, ये कैप्चा फिल करके तुसी इतने लॉगिन करना है। उस तो बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होना है, वो तुसी डाउनलोड करके रख लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म ताड़ा अदू ही जनरेट होना जो ताड़ी फीस बैकएंड पे अपडेट हो गई है। सो ये पूरा प्रोसैस विदाउट प्रूफ, विद प्रूफ मैं तुहानू ये शो किया, विदाउट प्रूफ नहीं किया जी। पूरी पूरी प्रोसैस तुसी देख ली है। तो बाकी हुण मैं गल कर लगा जी, जिहड़ी मैं फोटो की गल कही सी, फोटो भी देखो जी प्रॉब्लम दो रीजनस आ रही है, या तो उसका साइज सैट नहीं है, दूसरा कि जिहड़ी फोटो उन्होंने JPG मंगी पई है। हुण फोटो JPG है किदां तुसी पता लगाना है, फोटो पर राइट क्लिक करके तुसी प्रॉपर्टी पे जाना, अदरवाइज तुसी मोबाइल यूज करते हो तुसी फोटो पर क्लिक करके टेल्स पे शो करना है, वो तुहाडी फोटो होनी चाहिए है JPG। दूसरा, काफ़ी कैंडिडेट से कमेंट्स आ रहे कि सर अपना फीस के कितने नियर अबाउट 5 दिन हो गए लेकिन हले फीस अपडेट नहीं हुई। सो फ्रेंड्स ड्यू टू सर्वर प्रॉब्लम, तुहानू भी पता है सर्वर प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस करके थोड़ा प्रोसैस स्लो हो गया। तो तुम एक मेल पा दो, वैसे उन्होंने फीस अपडेट हो जाती है, ना भी हुई कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट डेट तो पहले पहले तुहाडी फीस बैंक में डिपॉजिट होनी चाहिए, तुहाडे को चलान की कापी हैगी है। तो बाकी आप वेट करते हैं, तुम घट तो घट 72 घंटे, मैं तुहानू कहा बद तो बद 5 दिन वेट करो, ज़्यादा हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्वर इन्हों का मेरे ख्याल अज ही ठीक होया, जल्दी ही फीसा वगैरह तुहानी अपडेट हो जानी है। सो अगर किसी की फीस अपडेट हो गई है तो जरूर कमेंट सैक्शन में कमेंट करना, तो जिन्हों का ये एरर आता सी सॉल्व हो गया भी मैंने प्लीज़ दसन कमेंट सैक्शन के कमेंट करके कि उन्होंने प्रॉब्लम जी सॉल्व हो गई है। सो फ्रेंड्स ये पूरा प्रोसैस विद प्रूफ मैं तुम्हें दसिया, इसमें करन के होर कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो तुम कमेंट सैक्शन के कमेंट कर सकते हो। अगर कोई मेजर करैक्शन जिदा मैं फीमेल और मेल का चक्कर दसिया कैंडीडेट का हो गया, उन्होंने बोर्ड ही जाना पैना, जो PPSC का मेन बोर्ड है पटियाले मेरे ख्याल इन्हों का, इतने एड्रैस भी दिता हुआ वैबसाइट पर देखा सी, इतने आखो एड्रैस इतने होना इन्हों का, या दिस वन तुम्हें कॉन्टैक्ट अस क्लिक करना है। इतने इन्हों का एड्रैस हैगा देखो जी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पटियाला है, ठीक है जी, 12 दरी गार्डन PB 100 दसिया, तुम्हें इतने जाना है, इतने फर्दर प्रोसैस फॉलो करना है, बस हो जाता है, ईजीली हो जाता, कोई ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं आती। अगर तुम चाहते कि ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो फिर तो भुल ही जाओ जी, कभी नहीं हो सकता, ना ये कोई इन्हों चो हायर अथॉरिटी फोन चकती है, ना कोई लोअर अथॉरिटी फोन चकती है, ये जस्ट नाम के फोन नंबरस है, कोई फोन नहीं चकता। मैं बड़े ही फोन ट्राई किए, करवाए भी, काफ़ी कैंडीडेट्स ने भी किए, अगर किसी कैंडीडेट का नंबर चक्या हो तो प्लीज़ मैनू कमेंट सैक्शन के कमेंट करके दसन कि सर हाँ जी तुम एवं बोली जाते हो, साडा नंबर तो उन्होंने एक बार ही चक लिया, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये पूरा प्रोसैस करके देखो, नीडी फ्रेंड्स के जरूर शेयर करो, बिकॉज बहुत ज़्यादा कैंडीडेट्स को प्रॉब्लम आ रही थी। अदर स्टेट्स वाले नू अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो डायरेक्टली मैंने इंस्टाग्राम पर फॉलो करके या फेसबुक पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। होर कोई भी किसी भी तरह की ऑनलाइन प्रॉब्लम तुम फेस कर दो फॉर्म फिलिंग दे विच, वो भी तुम कमेंट सैक्शन के या साडे सोशल मीडिया से फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लै सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैलेबल टाइम।